वोट कटिंग मशीन बना करके ही छोड़ा है, उससे ज्यादा बसपा का अब इस समाज में कोई रोल नहीं है। बसपा ने हमेशा जो है दोगली रणनीति जिसको कहते हैं वो अपनाई है, तो आज अगर वहाँ पे फायरिंग हो जाती, वहाँ गोलियां चल जाती, तो स्थिति और कितना विकराल और रौद्र रूप ले, वोट जो है वो काटने छाटने का काम करती है। ये जो उपचुनाव होता है ये शासन सत्ता का चुनाव होता है। बसपा ने अपने लोगों के लिए कोई कार्य नहीं किया है, धर्म से बच्चे नहीं पलते हैं, धर्म से हमारा भविष्य नहीं बनता है। सरकार तो समाजवादी पार्टी की भी नहीं है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी तो जनपद गाजीपुर में है और हमारे साथ जो बैठी हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सौर्या सिंह इनका नाम है, गाजीपुर की एक बड़ी समाज सेवियों में इनका नाम आता है और ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी चुनाव प्रचार में जो उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर, उस चुनाव प्रचारों में कहीं ना कहीं ये देखी जा रही थी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि बहुत सपा जो है बहुत मजबूत स्थिति में है और 9 की 9 सीट पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन जब नतीजा आता है तो नतीजा ये होता है कि 7 सीटें जो है भाजपा जीत जाती है और बस 2 सीटें समाजवादी पार्टी के झोले में जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, उपचुनाव जो चुनाव होता है ये सरकार बनाने का चुनाव तो है नहीं। ये चुनाव में हाँ एक अनुमान आप ये लगा सकते हैं बिल्कुल से कि आगे आने वाली जो परिस्थितियाँ हैं वो किस हिसाब से बदली जा सकती हैं। बाकी ये जो चुनाव उपचुनाव हुआ है ये बिल्कुल शर्मिंदा करने वाला चुनाव है। ये जनता जनार्दन जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि आज लोकतंत्र में हम हैं, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या का चुनाव है क्योंकि इस चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके पुलिसकर्मी और जो आप जिसको कह सकते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए दल बल खम लगाया जाता है, वो आम जनमानस और आम जनता को किस तरह से पुलिस प्रशासन ने परेशान करने की मतलब मुहिम छेड़ दी थी कि हम लोगों को परेशान करेंगे, गन पॉइंट पे इलेक्शंस कराएंगे, पत्थरबाजी कराएंगे। तो इस स्थिति में जो ये रिजल्ट्स आते हैं ये हमको स्वीकार नहीं है, और अगर हमसे कहीं कमियां हुई हैं तो वो भी हम स्वीकार करते हैं कि हाँ कहीं कमियां हो सकता है रह गई हों, लेकिन जिस हिसाब से ये बिल्कुल भी शर्मसार कर देने वाला चुनाव रहा है, जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई और उनके कहने पे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया, तो आखिर क्या वजह थी कि पुलिस कर्मी इतने बेबाकी से, उनके अंदर पुलिस प्रशासन के अंदर इतना डर नहीं है कि आप जनमानस जनता के ऊपर आप पिस्तौल तान करके और वोट कराने का काम कर रहे हैं। और जहां तक बात रहे कि मुसलमान वोटर्स की, तो मुसलमान वोटर्स को पता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनके लिए नहीं खड़ी हो सकती, नहीं रह सकती, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ तुच्च नेतागण और कार्यकर्ता ये तक स्टेटमेंट देते हैं कि हम मस्जिद में घुस के आपको मारेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता आज ये कहते हैं कि मुस्लिम वोटर्स हमारे साथ हैं तो आपको तो सिर्फ उनका वोट चाहिए, लेकिन जो उनके दुख सुख में खड़े होने वाले, जो उनके कंधे से कंधा मिला के हमेशा से चलने वाले, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही रहे हैं और उनका दुख सुख में हमेशा साथ उन्होंने ही दिया है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो उसमें सीधे से आपने एक जाति विशेष के ऊपर भी टिप्पणियाँ की हैं, आपने सीधे से काटने की बात की है, आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व चिल्लाया है, आपने हिंदुओं की आवाज़ हमेशा बनने का कार्य किया है, तो आपने तो अगड़ा पिछला और दलित के लिए आप कभी खड़े रहे ही नहीं। तो ये चुनाव जो है, इस चुनाव में तो ये साबित हो गया ना कि जो भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है उससे अलग ये चुनाव हटके हो गया, क्योंकि कुंदर में देखा गया कि वहां पर जो है 60% मुस्लिम मतदाता हैं, फिर भी वहां बम्पर वोटों से जीत हासिल होती है भारतीय जनता पार्टी को, और यहां वहां जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो जाती है और वीडियो कई सारे वहां से वायरल हो रहे हैं जो मुस्लिम मतदाता हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि हम लोग अब सपा के साथ नहीं है, अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है, ऐसा बातें हो रही हैं।
देखिए कुंदरकी की क्या सिचुएशंस बन रही हैं, क्या वहाँ पे इस समय सिचुएशंस चल रही है, ये तो वहाँ के लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमेशा से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने हमेशा उनकी आवाज़ बनने का कार्य किया है। और आज के डेट में मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये पता है कि कौन हमारे लिए खड़ा है, कौन हमारे लिए किस हद तक जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी उनको गर्क में लाना चाहती है, उनका अस्तित्व ख़त्म करना चाहती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम वोटर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं दिया है, वोट बिल्कुल दिया है। और क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है? वहाँ पे भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के तरफ एक जो संवेदनशीलता होती है उन्होंने कभी नहीं दिखाई है। तो कुंदरकी की क्या सिचुएशंस है ये, इस पर अभी मंथन हो रहा है, इस पर देखा जा रहा है। और बाकी की दो जो सीटें निकली है बम्पर वोटों से वहाँ जीत हुई है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट रहा है। आज आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के आवाज़ उठाने पर ही पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, क्यों नहीं ये आवाज़ भारतीय जनता पार्टी ने उठाई? आखिर पुलिसकर्मी भारतीय जनता पार्टी मतलब जो शासन सत्ता रहती है प्रशासन तो उन्हीं की ही होती है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए थी, अपने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी के ही आवाज़ पे और चुनाव आयोग को जो पत्रक लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसके उस पर कार्रवाई हुई। तो ये जो जन मतलब लोकतंत्र में जनमानस के लिए आवाज़ उठाने का कार्य समाजवादी पार्टी ने हमेशा लगातार किया, ये क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया? आज हम कहते हैं कि पुलिस जो वहाँ सस्पेंड हुई वो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण के आवाज़ पे भी तो सस्पेंड हो सकती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिख रहा था कि किस तरीके से उनका उनकी जो प्रशासन है वो उनके हित में कार्य कर रही है, जनतंत्र के लिए एक खतरा बनी हुई है? आज अगर वहाँ पे फायरिंग हो जाती, वहाँ गोलियाँ चल जाती, तो स्थिति और कितना विकराल और रौद्र रूप लेती, ये सब जानता है इस चीज़ को। तो आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा लोगों के हित में आवाज़ उठाई है, लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा, ये देखा गया, अभी देख लीजिए स्थिति ऐसा क्या बन गया, देखा जा रहा था कि नहीं जो मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी अपनी सीटिंग सीट भी वहाँ से हार गई। जैसे अभी कटेरी की बात करें, हम तमाम जगहों पर देखा जा रहा था, बात हो रही थी इस बार की मझमा में इस बार इतिहास बदल देंगी जो डॉक्टर ज्योति बिंद युवा चेहरा थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, लोग हार गए, वहाँ से प्रत्याशी जो खड़े हुए थे वो लोग हार गए। जी देखिए, चुनाव की जो स्थिति है ये, इस उपचुनाव पे हमारी राजनीति नहीं अटकी हुई है, क्योंकि अभी 2027 बाकी है, 2027 का सबसे बड़ा चुनाव अभी बाकी है, तो इस पे हमारी अभी की स्थिति नहीं अटकी हुई है। और ये जो उपचुनाव होता है ये शासन सत्ता का चुनाव होता है, इसको वो जिस तरीके से मोल्ड करना चाहते हों उस तरीके से वो मोल्ड कर सकते हैं इस चुनाव को। तो इस पे हम यही कहेंगे कि अभी फ़िलहाल में क्या कमियां रही हैं, क्या रहा है इस पे समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार में, इसको इस पे अपना पॉइंट रखेगी, इस पे आगे चिंतन मंथन करेगी, लेकिन अभी 2027 की लड़ाई बाकी है। तो 2027 में ये इसका जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो इस समय हुआ है? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, हमारे साथ एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि ऊपर वर्ग की भी, अपर कास्ट को भी, पीडीए का जो पीडीए को का नारा देते आए अखिलेश यादव जी, लोकसभा में तो देखा गया, लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव में ये देखने को नहीं मिला। बसपा ने हमेशा जो है दोगली रणनीति जिसको कहते हैं वो अपनाई है, तो इस बार भी वो यही काम कर रहे हैं। अभी तक जब पटल पे काम करने की बारी आती है तो बसपा का कोई कार्यकर्ता या कैंडिडेट नहीं दिखता है, और जब चुनाव की बारी आती है तो वो अपने एक जाति विशेष का एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है और वोट जो है वो काटने छाटने का काम करती है। तो अंदर ही अंदर जो है ये पूरा भारतीय जनता पार्टी को एक सपोर्ट करने वाली रणनीति है। इन्होंने फिलहाल में हम ये कहेंगे कि बसपा ने अपने लोगों के लिए
कोई कार्य नहीं किया है, कोई कहीं पे भी आप चले जाइए, उनकी जो भी आप पिछड़ी बिरादरी में चले जाइए, कहीं पे भी बसपा का कोई भी नेता, कोई भी कैंडिडेट या कोई भी कार्यकर्ता पटल पे नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में जाते हैं तो कोई भी बसपा का कैंडिडेट वहाँ पे नहीं मिलता है हम लोग को। लेकिन जब वोटिंग के समय में बात आती है तो एक प्रत्याशी वो वोट काटने के उसमें ज़रूर खड़ा कर देते हैं और अपने बिरादरी के लोगों के जो एक हम कहते हैं कि हम हमारी बिरादरी का कैंडिडेट है आप वोट दीजिए, उन लोगों के उसके साथ में वो खिलवाड़ करते हैं, जाति विशेषक राजनीति करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। बसपा का पटल पे कोई कार्य नहीं है। बसपा ने जो है आप कहिए तो खाली एक वोट काटने का ही, एक भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अपना वोट कटिंग मशीन बना करके ही छोड़ा है। उससे ज़्यादा बसपा का अब इस समाज में कोई रोल नहीं है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा था वोट परसेंटेज की, जब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे नंबर पे देखी जा रही थी बसपा, तो अभी जो है इस उपचुनाव में उन्होंने बहन कुमारी मायावती और जो उनके कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, ये लोग जो है चुनाव प्रचार में नहीं उतरे, तब जाके वो तीसरे नंबर पे और इतने इतने वोट उनको मिले। अगर वो चुनाव प्रचार में उतरते तो ये स्थिति कुछ और होती फिर तो। नहीं देखिए, वही बात है ना कि पटल पे जो पार्टी काम नहीं कर रही है, पटल पे जो पार्टी जनता के लिए, आप अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हैं, लेकिन आप एक जाति विशेष कैंडिडेट खड़ा करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये कह दें कि आज जब उनके लोग रात में निकलते हैं गांव में कि भाई तुम्हारी बिरादरी का कोई खड़ा है वोट दे देना, तो उस जाति विशेष के साथ आप अपनी जाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके अपग्रेडेशन में आपका कोई सहयोग नहीं है, कोई योगदान नहीं है। आप अपने सोने के महल से बाहर नहीं निकलती हैं, आपके जो सहयोगी वर्ग हैं आप लोग अपने सोने के पिजड़े से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गांव देहात में क्या स्थिति हो रखी है आज आप जा करके देखिए, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को तरस रहे हैं। एक जो आवास बना है आप देखिए, वहाँ पे लोग भाड़े पे चढ़ा करके छोड़े हुए हैं घर, और वहाँ पे भाड़ा दे रहे हैं लोग, जो किसी को अलॉट है वो लोग भाड़े पे चढ़ा करके और छोड़ के चले गए। ये कांसीराम आवास की जो है स्थिति है आज के डेट में। वहाँ पे हॉल्स, वहाँ के स्कूल्स सारे जर्जर पड़े हुए हैं, स्कूल्स तक नहीं है उसमें, जबकि स्कूल की सुविधा देने का भी प्रावधान उसमें है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वहाँ जीरो है। तो क्या लग रहा है कि इससे, इस उपचुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2027 के चुनाव पे? जी नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो PDA का नारा है वो सिर्फ आप एक पार्टी विशेष का नारा मत समझिए, वो आज जनता की डिमांड है। आज समाज में हमने देखा है कि अंबेडकर जी की जो संविधान है उसमें जिस हिसाब से आरक्षण और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के जो एक कहते हैं कि राइट्स की लड़ाई है, वो उनके राइट्स की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आप सिर्फ इसको समाजवादी पार्टी की लड़ाई मत समझिए, आज ये समय की डिमांड है। आज ये जनता, ये जो हमारा वो शोषित वर्ग है जिसके पास आज एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है, जिसके पास नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है, जिसके पास कमाने खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसको, उस विशेष वर्ग को जो है हमारी ज़रूरत है, उसको एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो उनकी आवाज़ बने, उनके लिए खड़ा रहे, जब ना कि एक जाति विशेष की हमेशा टीका टिप्पणी करे और हिंदुत्व हिंदुत्व का नारा लगाए। तो वो एक धर्म से हट के, क्योंकि धर्म से पेट नहीं पलता है, धर्म से बच्चे नहीं पलते हैं, धर्म से हमारा भविष्य नहीं बनता है। भविष्य वही बनेगा, भविष्य वही बना सकता है जो अब हमारे जैसे आप गाजीपुर का ही सिस्टम ले लीजिए, यहाँ पे भी देखिए हमने काशीराम आवास जो है यहाँ का, हमने वहाँ पे सर्वे किया, वहाँ पे भी स्कूल्स बंद पड़े हैं, ज़ीरो है, ज़ीरो अर्थ मतलब सारी व्यवस्थाएं ज़ीरो हैं। तो ये सारा कार्य कौन करेगा? आज अगर हम करते हैं तो भी ये हो जाता है कि बसपा ने बनाया, बसपा आप बना करके और छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद अगर आप उसका कार्य उस पर मत कीजिए, उसका क्या मतलब है? सरकार नहीं रही ना उनकी, सरकार तो समाजवादी पार्टी की भी नहीं है, लेकिन तो भी समाजवादी पार्टी ने जो भी कार्य करने का ठाना या आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को लेकर चलने का कार्य किया है वो हम बराबर कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा हर जगह खड़े होते हैं, हर वर्ग से मिलते हैं, क्यों नहीं
मायावती जी निकलती हैं और मिलती हैं, उनको भी तो मिलना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती हैं, ना किसी मीडिया में आती हैं, ना उनके कोई नेतागढ़ पटल पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात कीजिए तो ये एक जनता को भी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, उनको भी समझने की ज़रूरत है, और 2027 में ये चुनाव कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि वोट काटने के लिए बसपा ने अपने कैंडिडेट को उतारा था? जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा समाज में किसी भी प्रकार का सुधार या समाज में किसी भी प्रकार का गिव एंड टेक का जो एक रणनीति होता है वो बसपा की है ही नहीं। अच्छा जी, तो चलिए, हमारे साथ सौर्या सिंह जी थी, समाजवादी पार्टी की ये नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और बात हो रही थी इस उपचुनाव के बारे में, जो उपचुनाव अभी बीता है और 9 सीटों पर उपचुनाव जो बीता है उसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है और उसमें केवल 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीता है। अब 2027 के चुनाव की हम बात कर रहे थे कि जो इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था, तो सेमीफाइनल तो पूरी तरीके से जो है भाजपा जीत चुकी है। अब 2027 की बात है, 2027 में अब देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है, उन्हीं सब चीज़ों पर बात हो रही थी। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।